बीबो ऐप के जरिए किया था प्यार, बलात्कार के बाद प्रेमी हो गया फरार। बचपन में चल बसे माता पिता, अनाथालय में पढ़ी लिखी युवती ने सुनाई आप बीती। बनारस की युवती को आगरा के युवक से बीबो ऐप के जरिए हुआ था प्यार। बीबो ऐप के जरिए प्यार करने वाली युवती को अंत में धोखा मिला। शादी का झांसा देकर प्रेमी 1.5 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। प्रेमी के लिए युवती ने दूसरी जगह हो रही शादी करने से भी इनकार कर दिया। अंत में प्रेमी ने भी शादी करने से मना कर दिया। टूंडला रेलवे स्टेशन पहुंची युवती ने अपनी दुख भरी दास्ता सुनाई, जरा आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया जी, क्या घटना हुई आपके साथ, पूरी बात बताओ। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मैं एक एनजीओ में काम करती थी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा करण खुराना जो आगरा के रहने वाले हैं, उनके पापा का नाम अशोक खुराना है। उन्होंने मेरा 1.5 साल से उसके साथ अफेयर नेट द्वारा चल रहा था, बीगो ऐप के साथ। तो मेरा 1.5 साल के बाद जब उसने बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि मेरी शादी तय होने वाली थी। मेरी 24 जून को शादी थी, और 24 जून को शादी थी, ये मेरे आज 21 जून को गया। मेरे घर पे मुझे लेने बनारस एक गोकुलगंज में एक होटल है, वहाँ पे वो रुका भी था अपने फ्रेंड राम के साथ, बुलेट से गया हुआ था। वहाँ पे गया, मुझसे बात किया, मुझे किराया दिया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम 24 को ट्रेन पकड़ के चले आना, मैं तुम्हें यहाँ रिसीव कर लूँगा। मैं 24 को वहाँ से निकली हूँ, मैं आ गई हूँ यहाँ पे इसके घर पे 25 को। ये मुझे रिसीव किया है, मुझे 2-3 दिन होटल में रखा है। फिर उसके बाद इसके सिस्टर का एक घर है नालंदा टाउन में, 212 फ्लैट नंबर है इसका। वहाँ पे मुझे 3 महीने से रख के मेरे साथ शोषण, मेरे साथ रेप सब कुछ किया है, मुझे टॉर्चर भी किया है, मारा भी है कई लोगों, ये सब आप देख सकते हैं, मुझे कई जगह मारा और मुझे धोखा भी दे रहा था। तो मैंने बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो करण, तुम तो साथ लाए हो शादी करने, कह रहे मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने 100 नंबर कॉल करके कंप्लेन भी किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। मैं वहाँ पे गई और इसके फैमिली वाले वहाँ पे ले दे के जो भी करके वहाँ से रफा दफा कर दिए। और इसकी बहनें हैं रिया खुराना, सुरभि खुराना, रेनू, और इसकी जीजू हैं, 3 जीजू हैं, जीजू का नाम नहीं जानती हूँ। वो लोग भी गए थे वहाँ पे, उन लोगों ने मुझे बहला फुसला कर बोला शादी कर लेगा तुम, चलो यहाँ से, थाने में कुछ नहीं होता। फिर ये लोग मुझे एक रॉयल होटल करके वहाँ पे मुझे 2 दिन से रखे हुए थे। कल शाम को अपने भाई को लेके उसकी बहन सुरभि खुराना और रिया खुराना दोनों आई हैं। दोनों आ करके मुझे बोली कि तुम मेरे भाई को लेके चाहे जहाँ जाओ। मेरा फ़ोन ले ली 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए ली, अब पता नहीं वो क्या किए मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उसका भाई मुझे वहाँ से लेके कानपुर तक लेके आया। कानपुर मुझे जो भी नशे की दवा व जो भी दिया होगा, मैं होश में नहीं थी, मेरे गहने वाले जो भी थे मेरे पास, एक चैन था, कान का था जो मेरी शादी में बना था मुझे देने के लिए, और 2 लेडीज रिंग थी और एक जींस का था, मैं सब लेके भाग के आई थी वहाँ से, सब लेके मेरा भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? इसकी शिकायत आपने कहीं दोबारा की है? नहीं, अभी कहीं नहीं की। मैं जा रही हूँ आगरा, जाके मांगती हूँ न्याय मुझे, मैं यूज़ करने की चीज़ें नहीं।